का जज्बा देखने को मिला। जी हां, 80 साल के बुजुर्ग राम सेवक और उनकी दिव्यांग बेटी और दिव्यांग दामाद नाथूपुर बुराड़ी से मुंडका विधानसभा में मतदान करने के लिए निकले। दरअसल राम सेवक पिछले 40 सालों से मुंडका में ही रह रहे हैं। उनकी बेटी और दामाद बुराड़ी एरिया में नाथूपुरा में रहते हैं। इन सभी के वोट मुंडका में हैं, लेकिन आजकल ये सब नाथूपुरा में हैं और आज मतदान है। मतदान के लिए सुबह से ही ये परिवार बुराड़ी बाईपास पर आउटर रिंग रोड किनारे पहुंच गया और करीब आधा घंटे से बस का इंतजार कर रहा था। बस आएगी और फिर ये बस में चढ़कर मुंडका तक जाएंगे और उसके बाद मुंडका विधानसभा में जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं जज्बा इनके अंदर था लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का। इस वजह से 80 साल के बुजुर्ग राम सेवक अपनी दिव्यांग बेटी और दिव्यांग दामाद को लेकर बुराड़ी से मुंडका के लिए निकले। तीन बसें बदलने के बाद इन्होंने अपना और अपने परिवार का वोट दिलाया। लेकिन आप देखिए किस तरीके से वोट डालने से पहले किस तरीके से वो बस स्टैंड पर खड़े हैं। देख नहीं पा रहे, वो सब बोल देना है ना बस के लिए। हाँ, आप लोग नाथूपुरा से मुंडका वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो किस तरह की आपको दिक्कतें आ रही हैं? पहली बात तो यहाँ पर आने में, फिर वहाँ तक आप पहुँचेंगे तो काफ़ी भीड़ हो चुकी होगी वहाँ तो। हाँ, भीड़ तो हो चुकी होगी, लेकिन सुविधा तो ये है कि सुना है हमने न्यूज़ में या फिर सब जगह कि वहाँ पे मतलब वॉलंटियर हैं, वो हमारा मतलब सहयोग करते हैं और वो वोट दिला देंगे जल्दी। थोड़ा सा और सर्विस थोड़ी कम है, लेकिन कोई नहीं, इंतजार के बाद तो फिर बस आ ही जाएगी। फिलहाल आप रोड पर खड़े हुए हैं। हाँ जी, बस का इंतजार कर रहे हैं, तो बस को देखने में भी दिक्कत हो रही होगी आपको। हाँ जी, बुजुर्ग पिता हैं, साथ जा रहे हैं, तो कितनी दिक्कत हो रही है आपको जाने में? दिक्कत तो होती है सर, कभी कभी नहीं रोकती है बस, उसकी दिक्कत ज्यादा होती है। तो बस रुक रही है आपको? देखिए 234 नहीं रोकती कभी। कोई ऐसी हम देखा है, कोई ऐसी सुविधा भी है क्या जो सरकार ने दिव्यांगों के लिए की हो? लाने हाँ जी, नहीं नहीं, जो आसपास के जो है, जो जहाँ पे जिनका वोट है, मतलब जैसे हम मुंडका जाते और वहाँ से अगर उनको मतलब अपील करते तो वो जैसे ई रिक्शा है या फिर कुछ ऐसा, मतलब वो हमारे लिए उपलब्ध उन्होंने कराया है। लेकिन यहाँ से इतना दूर तो नहीं हो सकता, तो हमने हाँ जी, लेकिन फिर भी हम जा रहे क्योंकि हमारा हक है। मेरा नाम कन्हैया कुमार यादव है। कन्हैया जी, आप कहाँ वोट डालने जा रहे हैं और कितनी दिक्कत है अब आपको जाने में होगी? सर, मैं अभी नाथूपुरे से आया हूँ और अभी मुंडका हम जा रहे हैं। अभी इस समय बाईपास पे हम खड़े हैं, बुराड़ी बाईपास पे, और नाथूपुरा से सर्विस बहुत कम है। करीब हो गए हमें यहाँ पे 10 मिनट खड़े हुए हो गए, अभी तक बस नहीं मिली है। तो कितनी लग रहा है आपको, जिस तरह अभी बस भी नहीं दिखाई दे रही, बुजुर्ग पिता साथ में हैं आपके तो वो लेके जा रहे हैं आपको, तो कुछ सुविधा ऐसी भी होनी चाहिए थी कि आने जाने में जो दिव्यांगों के लिए? हाँ जी, कुछ ऐसी सुविधा होनी चाहिए थी ताकि बस की सर्विस अच्छी होनी चाहिए थी ताकि हम लोग जा करके जल्दी से जल्दी। अभी घर से हम 9 बजे के निकले हुए हैं और अभी कम से कम 11 बज गए हैं, अभी तक बुराड़ी बाईपास ही पहुँचे हैं। सर, लोकतंत्र में जो अधिकार है मत का प्रयोग करना, आप लोग अपने मत का प्रयोग करें, आप विकलांग हैं, लेकिन उसके बावजूद और जो लोग हैं जो वोट देने से बचते हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे आप? उनके लिए हम यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें वोट डालना चाहिए और सभी लोगों को ये अधिकार, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अब आपको सुनवाते हैं कि 80 साल के राम सेवक किस तरीके से अपनी विधानसभा यानी कि मुंडका में अपनी बेटी और दामाद को लेकर जाएंगे। जी हाँ, बेटी और दामाद दोनों ही दिव्यांग है और खुद राम सेवक भी बुजुर्ग हैं, 80 साल के हैं, लेकिन वोट डालने की चिंता थी, इस वजह से वो सुबह से ही सड़क पर निकल चुके। शनिवार के दिन राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर अलग अलग तैयारियां करी गई, लेकिन कुछ लोगों की, जिस तरीके से राम सेवक ने बताया कि कुछ इंतजाम होने चाहिए थे जिससे दिव्यांग लोग और बुजुर्ग लोगों को कुछ सहूलियत मिले, जिससे कि वो वक्त पर पहुंचकर अपना वोट दे पाए। राम सेवक से कहाँ जा रहे हैं वोट डालने के लिए? हम मुंडका से वोट, पहले बहुत पुराने वहाँ के वोटर हैं, तो यहाँ के भी रह रहे हैं, यहाँ बेटी हमारी है तो यहाँ से जा रहे हैं, इनको भी दिलवाएंगे, वहीं से वोट लिए बड़ा है। कितनी उम्र है आपकी? 80 वर्ष। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम करीब 40 साल हो गया यहाँ पर। नहीं नहीं, मुंडका में, और फिर यहाँ हमारी बेटी रहती है तो आना जाना देखा रहता है, इनको हम ले जा रहे हैं वहाँ, हम भी देंगे वोट और ये भी। आपकी बेटी और दामाद है वो दिव्यांग है, उनको ले जाने में उम्र ज़्यादा है? हाँ, अभी यहाँ दामाद नहीं है। जी जी जी, वे भी हैं, बच्चे आपके साथ जा रहे हैं। हाँ, उनको ले जाने में कितनी दिक्कत हो रही है अभी? दिक्कत तो बस आ जाएगी, फिर जाएंगे वहाँ वोट देने के लिए। अच्छा, कोई जो दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी होती रहती है, जाएंगे वहाँ वोट देंगे, बिल्कुल देंगे।
आखिरकार कई घंटे के इंतजार के बाद बस आई और बस में राम सेवक अपनी बेटी और दामाद के साथ मुंडका वोट डालने चले गए। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।